और आज हम मौजूद हैं बाराको प्रेस क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब, जिन्होंने चौधरी रहमत अली साहब की हालिया जो बरसी गुजरी उसी वाले से आज यहाँ पे एक दुआया प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया था। और बहुत बड़ी कावश इनकी चौधरी रहमत अली साहब की जो डेड बॉडी है उनको पाकिस्तान लाने के वाले से। तो आज हमारे साथ मौजूद चौधरी सरवर साहब, इनसे हम जानते हैं कि कब से आपने इसकी कावश का आगाज़ किया और अभी तक की जो प्रोसेस है सारी कार्य कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं DSP न्यूज का शुक्रगुजार हूँ जो मेरा इंटरव्यू दे रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने एप्लीकेशन की थी कैमरे सिटी काउंसिल UK में कि चौधरी रहमत अली, जिन्होंने फर्स्ट जो सबसे पहला नाम पाकिस्तान रखा था, उनकी जो बॉडी वहाँ पे तस्कीन है कैम्ब्रिज में, वो बॉडी जो थी मैं पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी वाकई उनकी वो मानत है, तो उन्होंने मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और सिर्फ उन्होंने मुझसे अभी NOC मांगा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की NOC दे दी, तो बड़ी इंशाल्लाह पाकिस्तान शिफ्ट। ठीक है, थोड़ी इस वाले से गाइड कीजिएगा कि पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी सारे ऐसे लोग आए भी होंगे जिन्होंने शायद काबिश की भी होगी रहमत अली साहब की इसको बड़े उसको डेड बॉडी को पाकिस्तान ले आने के वाले से, तो क्या उनको ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि वो उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान नहीं लेके आ सके? और अभी जो आप कोशिश कर रहे हैं और आपको ये यकीन है कि आप ला सकते हैं, उनको किन मुश्किल का सामना था और आप अभी इसको किस तरह से देखें उनकी मुश्किल को और अपने जो आप प्रोसेस आपने स्टार्ट किया उसको किस तरह से देखें? इनफैक्ट उनसे जो बात मेरे अभी तक समझ में आ रही है जी, है ना, हो सकता है कि मतलब काफ़ी लोगों ने ट्राई की हो, मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। तो लेकिन जो मैंने ट्राई की है वो फाइनल ट्राई की है, आखिरी दम तक मैं गया हूँ सिटी काउंसिल तक, उनसे मेरी मीटिंग्स हुई हैं। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ ये कहा कि आप उनको कहाँ पे लेके जाएंगे, तो मैंने उनको उनसे कहा कि ये पाकिस्तान के मानत है, ये पाकिस्तान जाएगी उनके वर्सा के पास, तो वर्सा जो उनसे वो चाहते हैं कि ये बॉडी इस्लामाबाद शिफ्ट हो, तो मैं बिल्कुल जैसे मुझे बॉडी मिलेगी तो वो उनको मैं दे दूँगा, वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद शिफ्ट होगी। लेकिन जो रुकावट की जो आपने बात की है ना, उसमें मुझे ये एक बात नज़र आ रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन की हुई है कि ये बॉडी उनकी परमिशन के बगैर वहाँ से ना निकाली जाए, ना उठाई जाए। नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो चाहते हैं, मुर्सा तो कब की मतलब इससे तबीदों में लगे हुए। से आपकी मुलाकात, आपने बताया से आपने स्पीच में कि मुर्सा से मुलाकात हुई है, पहले तो किसी को आइडिया नहीं था कि इतना उठा नहीं, इस वजह से कहना चाहेंगे मुर्सा से आपकी मुलाकात अभी पाकिस्तान में होगी उस वजह से? जी हाँ बिल्कुल, वो मेरी उनसे मतलब मीटिंग होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है, तो वो तो चाहते हैं। तो मेरी अभी भी लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप भी ट्राई कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रॉमिस किया हुआ है, तो ना तो हम उनका भी प्रॉमिस देख लेते हैं, है ना, वो कहाँ तक अपना वादा वफा करती हैं। तो मेरी आप आपकी चैनल GSP से स्पेशल ये अपील भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान अपना वादा वफा करें, इंसान वही होता है जो अपना वादा पूरा करे, अगर उन्होंने वादा पूरा नहीं करना था वो बिल्कुल वादा ना करते, तो जैसे हमें था हमारी हालत पर छोड़ देते, तो हम अपने तक जो जारी रखते। लेकिन अब उन्होंने प्रॉमिस किया था वो मुझे NOC दे, तो बॉडी इंशाल्लाह मैं अपने फुल अपने पॉकेट के अखराज से वो यहाँ पर डालता करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कोई बोझ नहीं बनेगी। ठीक है, और दूसरी जो मेरा सवाल ये था आपसे कि जो हमारी कौम है चौधरी रहमत अली साहब का एक नाम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ दिया और पाकिस्तान बनने में बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो कुर्बानियाँ हैं, और कौम जो हमारी वो भूल चुकी है उनको कि चौधरी रहमत अली साहब का नाम भी कहीं जो बदल दिया जाता, कि ऐसे बड़े हमने देखे हैं वो तकरीबात होती हैं उनका नाम भी दिया जाता, तो हमारी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे चौधरी रहमत अली साहब जैसे कि लोग जो भी उनको भूल चुके हैं उनका क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि भूल चुके हैं तो, लेकिन मेरे ख्याल में कोई नहीं भूला, हाँ जी मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग से जितने भी मेरा क्लास 1 से क्लास 2 से जो मतलब टेक्स्ट बुक्स है उसमें चौधरी रहमत अली का ही नाम है कि जी उन्होंने नाम तजवीज़ किया था लफ्ज़ पाकिस्तान। ये अभी जो 14 अगस्त आता है उस तरह की कहीं और तकरीबा अक्सर हम हमें देखने का मौका मिलता है, मगर वहाँ पर जिस तरह बाकी भी कुर्बानियों का एक आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि जितना एक बाकी कुर्बानियों पर जितना जोर दिया जाता है और कई जगहों पर नाम होता है, बेशक जो हमारी अपनी कौम है इसको याद रखे हुए, मगर जो एक कुर्बानी जो दी गई है कई जगहों पर जो है ना इसको वो मद्देनजर नहीं रखा जाता, तो ये सवाल से पैगाम कहना चाहिए। नहीं आप तो कहते हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि हमारे दिलों में चौधरी
अपना रहमत अली जो थे ना वो जिंदा सलामत है। हाँ जी, 20 करोड़ की आवाम वो उनको याद रखती है दिन रात। जैसे इंशाल्लाह बूढ़ी यहाँ पे आएगी ना तो आप देखेंगे तो हर चौक पे हर इंसान वो ये चाहेगा कि बच्चों का नाम भी चौधरी रहमत अली रखे। हाँ जी, तो मेरे मतलब मिशन तकरीबन कम्प्लीट होने वाला है, तो मैं दोबारा मतलब अपना प्राइम मिनिस्टर से इमरान खान से यही मैं ये अपील है कि वो मुझे NOC दे दें और ये जो सा केस कंप्लीट हो जाए और मेरा मिशन कम्प्लीट। आखिर पे ये आपसे जानना चाहूँगा, बाकी काफ़ी सारे मीडिया के चैनल तो मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पे, मगर ये है कि GSP न्यूज़ का जो आगाज़ किया गया एक स्पेशल, इसमें गुजर संग पाकिस्तान का तंजीम का और बाकी काफ़ी सारे इसमें अवाम शामिल हैं और ये कौम के लिए एक अच्छा चैनल साबित होगा, इससे वाले क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपकी कॉम को GSP न्यूज़ को खराज तस्वीर पेश करता हूँ और स्पेशली अपना चौधरी अजूब साहब जो इनके चेयरमैन साहब हैं, इनकी जो मेहनत है, उन्होंने अपने पॉकेट से सब कुछ किया है और इसके लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ, बल्कि पूरी कौम इसका शुक्रगुजार है कि ये कभी चैनल ऑनलाइन होता है तो हम शौक से इसे देखें। जी, बहुत शुक्रिया आपका साहब, उन्होंने इससे बताया आपको सर उनकी जो डेड पार्टी है बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान लेके आएंगे और इस वायरस ने बताया कि उनको अपनी पॉकेट से जितने मर्जी एक्सपेंस करने पड़े वो करेंगे। अब पहले भी हुकूमतें जो है वो आती रही हैं, अब वादे होते रहे मगर कभी किसी ने इतना सीरियसली हमने खुद जब इसको नहीं लिया तो इसी वायरस से डेड पार्टी भी नहीं आ सकी। अभी एक हमारी अपने ही कौम का अगर एक फर्द अगर की कोशिश कर रहे हैं सीरियसली लेके इसको, तो हुकूमत ने भी इनसे यकीन दहानी को करवाई कि पार्टी जो है जल्द पाकिस्तान लेके आएंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो चौधरी अहमद साहब की जो डेड पार्टी है वो पाकिस्तान आ जाएगी। तो आज के इस मुख्तसर से प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान नवाज़ साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।